नमस्कार माया जी, परफेक्ट रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम का अचार। तो इसके लिए मैंने 2 किलो कच्चे आम लिए हैं और इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिए हैं और इसका चाकू की सहायता से ऊपर का पार्ट हमें हटाना है। इसको अच्छी तरह सब एक एक करके ये ऊपर का जो पार्ट होता है इसको हटा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इनके सब के ऊपर का ये जो पार्ट है ये हटा दिया है। अब हमें कटर की सहायता से ये कैरी को हम छोटे टुकड़े कट करेंगे। ये मेरा भाई कट कर रहा है, इस छोटे छोटे हम टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 किलो कच्चे आम की कैरी है जो इनके टुकड़े कर लिए हैं। एक जितनी हमें ये स्लाइस काटनी है, छोटी बड़ी बिल्कुल भी नहीं काटनी है। इस ऐसे कट करेंगे तो हमारा अचार बहुत अच्छा बनेगा। और इसको मैंने वापस धो के सुखा दिया है। हमने कॉटन का कपड़ा लिया है तो उसके ऊपर हमने इनको फैला दिया है और हमें पंखे के नीचे ही इनको सुखाना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है। अब हम लेंगे 200 ग्राम सौंफ। तो हमने 200 ग्राम सौंफ ले ली है। अब हम 100 ग्राम सौंफ को अच्छे से सिकाई करेंगे और गैस का फ्लेम हमें मीडियम पे रखना है और आराम से धीरे धीरे इनकी सिकाई करनी है और इसमें चम्मच को हमें ऐसे ही चलाते रहना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी हमारी सौंफ की सिकाई हुई है। अब इनको हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट में डाल देंगे। अब हम लेंगे 1 चम्मच मेथी के दाने जो इनकी भी अच्छे से सिकाई करनी है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और इसके अच्छे से सिकाई होने के बाद इसे भी हमें ठंडा होने के लिए ही रखना है। इस ये डालने से अचार में खुशबू अच्छी आएगी, ये डालना बहुत ज़रूरी है। और इसे भी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब जो 100 ग्राम कच्ची सौंफ थी वो भी इसमें हम मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हम मिक्सी के जार में ये सौंफ डालनी है और इसको अच्छे से मेहनसी पीसनी है। इसे ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। ये देखिए, ये हमारी सौंफ का पाउडर तैयार हो गया बनके। और ये देखिए, हमने जो कैरी डाली है उसमें ये सौंफ इसमें डाल देंगे। अब हम लेंगे 100 ग्राम पीली सरसों, इसको भी दरदरी सी हमें पीसनी है, अच्छे से पीसनी है। ये देखिए, ये भी हमारी सरसों का पाउडर तैयार हो गया है और इसे भी हमें डालना है। हमें 2 किलो कैरी के अंदर 100 ग्राम ही सरसों लेनी है। तो ये भी हमें मिक्स कर देनी है। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब हम डालेंगे 2 चम्मच कलुंजी। और अब इसमें हम डालेंगे नमक, जो हमने 4 चम्मच इसमें छोटी चम्मच 4 चम्मच हमने नमक डाला है। दो किलो कच्चे आम के अंदर हमें 4 चम्मच ही नमक डालना है और 4 चम्मच ही हमें लाल मिर्च पाउडर डालना है। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी मिर्ची डाल सकते हैं। तो मैंने 4 चम्मच डाली है। अब 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे।
अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है, एकदम अच्छी तरह मिक्स करना है कि सारा जो हमने जो मसाला बनाया है वो कच्चे आम की जो स्लाइस कट की है इसमें अच्छे से लिपट जाए। अब डालेंगे इसमें हम सरसों का तेल। हमें सरसों का तेल ही कैरी के अचार में डालना है और कोई भी हमें तेल काम में नहीं लेना है। इससे अचार में बहुत अच्छी खुशबू आती है और अचार अच्छा भी बनता है। तो इसमें मेरे को अभी इतनी ही ज़रूरत थी तेल की, तो मैंने इतना ही तेल डाला है। अगर हमें और भी ज़रूरत होगी तो हम और भी तेल ले सकते हैं। और इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये इतना अच्छा अचार तैयार हुआ है। अब इसमें हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और इसको अच्छे से लगा के धूप में 2 दिन के लिए डालना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, 2 दिन के बाद हमारा अचार कितना अच्छा तैयार हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने गरम तेल किया है उसको हमने ठंडा करके और इसमें डाल देंगे। ये तेल मैंने 100 ग्राम तेल ही लिया है। पहले मैंने इसमें तेल डाल दिया था कच्चा तेल, अब मैंने गरम करके तेल डाला है। इसको ठंडा ही करना है, गरम तेल नहीं डालना है। और इसको अच्छे से मिक्स करके हमें डिब्बे में डाल के रख देंगे। और ये हमारा लगभग 1 साल तक ये हमारा अचार ख़राब नहीं होगा, ऐसे ही बना रहेगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।